एज अ वीडियो एडिटर हमें इंडस्ट्री ट्रेंड्स के बारे में फुली अपडेटेड रहना पड़ता है ताकि हमारी स्किल्स एंड वीडियोस दोनों ही अमेजिंग बनी रहे। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे AI प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें यूज करके आप अपनी वीडियो एडिटिंग के गेम को और भी लेवल अप कर पाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की और भी वीडियोज के अपडेट आपके पास में रियल टाइम में पहुंच जाए। सबसे पहला AI प्लेटफॉर्म है ChatGPT। ChatGPT के बारे में आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने वीडियो एडिटिंग के लिए ChatGPT को पूरी तरह से यूज किया है? अगर नहीं तो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि वीडियो एडिटिंग में ChatGPT आपकी कैसे मदद कर सकता है। लेकिन उसके पहले हम समझते हैं कि ChatGPT असल में है क्या। जैसे हम गूगल के ऊपर अगर कुछ सर्च करते हैं तो हमें 1000 आर्टिकल मिल जाते हैं जो कि अलग अलग लोगों ने पब्लिश किए हैं, और उन सभी आर्टिकल्स में अलग अलग तरह की बात की गई होती है। लेकिन ChatGPT के साथ ऐसा नहीं है। ChatGPT से जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके पास ऑलरेडी इतना सारा डेटा है, उसमें से वो हमें हमारे क्वेश्चन के मुताबिक एक कस्टमाइज्ड आंसर देता है। इसीलिए ChatGPT को AI पावर्ड लैंग्वेज मॉडल बोला जाता है। अब इसे थोड़ा और सिंपलीफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका एक ऐसा फ्रेंड है जिसने बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई है अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, एंड उसे हर एक टॉपिक की बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो जब आप उसके पास जाकर अपना एक क्वेश्चन पूछेंगे तो वो आपको आपके क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट जवाब देगा। इसी तरह से ChatGPT को भी बहुत सारा डेटा प्रोवाइड किया गया है, एंड उसी डेटा में से जब हम कोई एक क्वेश्चन पूछते हैं तो उन्हीं डेटा को स्क्रॉल करके वो हमारे लिए हमारे क्वेश्चन के हिसाब से एक पर्सनलाइज्ड आंसर देता है। तो बेसिकली उसका आंसर कितना अच्छा होगा वो डिपेंड करता है कि हम उससे कितना अच्छा सवाल पूछते हैं। एंड ChatGPT से क्वेश्चन पूछने के लिए आपको एक प्रॉम्प्ट डालना पड़ता है, तो आपका प्रॉम्प्ट जितना ज्यादा डिटेल में होगा ChatGPT उतनी ही अच्छे से आपका जवाब जनरेट कर पाएगा, एंड आपको एक प्रॉपर आंसर मिलेगा। तो ChatGPT को यूज करते समय आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो भी आपका क्वेश्चन है उसे पूरी डिटेल के साथ आप प्रॉम्प्ट में डालें, एंड इससे आपको बिल्कुल एक्यूरेट आंसर मिलेगा। अब इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। हम ChatGPT में आके एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट डालते हैं, 5 best tips फॉर वीडियो एडिटर। अब हम इस प्रॉम्प्ट में देखते हैं कि ChatGPT हमें कैसा आंसर देता है। इसने सबसे पहली टिप हमें दी है ऑर्गेनाइज योर मीडिया, जो कि बिल्कुल सही है। सेकंड है मास्टर कीबोर्ड शॉर्टकट, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है। फोकस ऑन स्टोरी टेलिंग, यूज ट्रांजिशन वाइजली, कलर ग्रेडिंग एंड करेक्शन, ये पांचों ही टिप बिल्कुल एक्यूरेट है। लेकिन अगर हम प्रॉम्प्ट को थोड़ा और डिटेल बनाएंगे तो हम देखते हैं कि ChatGPT हमें कैसा आंसर देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे डालूंगा कि मुझे 5 टिप्स चाहिए एज अ बिगनर वीडियो एडिटर। अब हम इस प्रॉम्प्ट को डालकर चेक करते हैं कि ChatGPT हमें कैसा आंसर देता है। अब आप देख पाएंगे कि ये पांचों ही जो टिप्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं, एंड अगर कोई बिगनर मुझसे भी ये क्वेश्चन पूछता तो मैं इसी तरह की टिप्स उसके साथ शेयर करता। अब ChatGPT को एज अ वीडियो एडिटर आप किन किन चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। सबसे पहला है, आप अपने हिसाब से किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट जनरेट करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे डालता हूँ, क्रिएट अ 100 words वीडियो स्क्रिप्ट फॉर इंडिया, दिस इज Going to be an educational video। अब आप देखिए कि ChatGPT ने हमें यहाँ बता दिया है कि हमें शॉर्ट किस तरह के डालने हैं, एंड इवन जो वॉइस ओवर हम यूज कर सकते हैं वो किस तरह से है, एंड ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह से आप अपनी वीडियोस के लिए अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट ChatGPT से जनरेट करा सकते हैं। इसी तरह से आप ChatGPT से अपनी वीडियोस के लिए क्लिकबेट टाइटल्स एंड थंबनेल के टेक्स्ट भी जनरेट करा सकते हैं, एंड इवन ChatGPT से राइट क्वेश्चंस पूछ कर आप अपनी स्किल्स को और भी एनहांस कर सकते हैं। सेकंड AI प्लेटफॉर्म है 11 Labs। इस वेबसाइट पे आप अपनी किसी भी स्क्रिप्ट को डालकर इनमें से किसी भी एक AI जनरेटेड वॉइस को सिलेक्ट करके इजीली अपना वॉइस ओवर करा सकते हैं, एंड उसे फ्री में यूज कर सकते हैं। 11 लैब्स के अंदर आपको मोस्टली हर एक लैंग्वेज में वॉइस ओवर करने का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ से आप अपने हिसाब से सेटिंग्स को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट आपकी बहुत हेल्प करने वाली है अपनी वीडियोस के लिए फ्री में AI जनरेटेड वॉइस ओवर बनाने में। थर्ड AI प्लेटफॉर्म है RunwayML। इस वेबसाइट पे हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि हम वीडियो टू वीडियो में चेंजेस कर सकते हैं, हम अपनी किसी भी इमेज या फिर टेक्स्ट को डालकर एक वीडियो जनरेट कर सकते हैं, हम किसी भी वीडियो से बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं, हम एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट डालकर इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं, हम इमेजेस से इमेजेस के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, एंड 11 लैब्स की तरह ही हम यहाँ पे टेक्स्ट डालकर अपने लिए AI जनरेटेड वॉइस ओवर तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हम वीडियो टू वीडियो वाला फीचर देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक वीडियो को अपलोड कर दिया है, एंड मुझे इसमें कुछ चेंजेस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये वीडियो फ्यूचरिस्टिक टोन में चाहिए, तो मैं यहाँ पे प्रीसेट के अंदर फ्यूचरिस्टिक को सिलेक्ट कर दूंगा,
एंड यहाँ से जनरेट वीडियो पे क्लिक कर दूंगा। अब इस AI टूल ने ये वीडियो जनरेट कर दी है जिसमें इसने बैकग्राउंड को पूरी तरह से चेंज कर दिया है। अब हम यहाँ से ये मेटल वाला प्रीसेट चूज करके देखते हैं। अब इस टूल ने हमारी इस वीडियो को एक मेटलिक लुक दे दिया है, ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन स्टिल एक नॉर्मल AI टूल के लिए इस तरह से वीडियो में मैनिपुलेशन करना भी बहुत ही बड़ी बात है। अब हम रनवे ML के दूसरे किसी टूल को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम रिमूव बैकग्राउंड वाले टूल को देखते हैं। अब जैसे कि मुझे इस वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ से अपने कर्सर से पॉइंटर्स को सिलेक्ट कर करके अपने सब्जेक्ट के अराउंड एक मास्क बना दूंगा एंड यहाँ से डन मास्किंग पे क्लिक कर मेरी इस वीडियो में से बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा एंड मुझे ग्रीन स्क्रीन मिल जाएगी। अब इसे मैं अपनी वीडियो एडिटिंग में कहीं भी यूज कर सकता हूँ। इसी तरह से रनवे ML के बाकी सभी टूल्स को भी आप यूज कर सकते हैं। रनवे ML के ऊपर भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो अपने YouTube चैनल पे अपलोड की है, तो अगर आपको रनवे ML को पूरी तरह से सीखना है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ AI प्लेटफॉर्म की, जिसका नाम है अकूल। इस वेबसाइट पे से आप इजीली अपनी किसी भी वीडियो में फेस स्वैप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए, मुझे शाहरुख खान वाली इस वीडियो में ऋतिक रोशन के फेस को स्वैप करना है, तो उसके लिए पहले मैं अपनी शाहरुख की वीडियो को इस प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दूंगा एंड वीडियो के अपलोड होने के बाद मैं यहाँ से ऋतिक रोशन के फेस को सिलेक्ट कर लूंगा। ऋतिक के फेस को सिलेक्ट करने के बाद मैं फेस स्वैप के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा और रिजल्ट्स के अंदर मेरी वो वीडियो जनरेट हो जाएगी। अब आप देखिए कि कितने एक्यूरेटली इसने हमारी इस वीडियो में शाहरुख के फेस को ऋतिक के फेस में स्वैप कर दिया है, लेकिन हमारी इस वीडियो के नीचे ये अकूल का लोगो आ रहा है। अगर आपको जानना है कि आप इस लोगो को कैसे हटा सकते हैं, तो उसके लिए हमारी आई कार्ड वाली वीडियो पे क्लिक कर दीजिए। अब हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ AI प्लेटफॉर्म की, जिसका नाम है ब्लॉकेड लैब्स। इस वेबसाइट के ऊपर आप अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से सिंपल सा प्रॉम्प्ट डालकर 3D में बैकग्राउंड्स को जनरेट कर सकते हैं एंड अपनी वीडियोस में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इस वीडियो के पीछे एक बैकग्राउंड चाहिए, तो उसके लिए मैं गूगल पे आके ब्लॉकेड लैब्स की वेबसाइट को सर्च कर लूंगा एंड यहाँ पे मुझे जिस भी तरह का बैकग्राउंड चाहिए उसका प्रॉम्प्ट डाल दूंगा। फॉर एग्जांपल मुझे बैकग्राउंड चाहिए एक ऑफिस का एंड यहाँ से हम एक स्टाइल भी चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रियलिस्टिक के अंदर इंटीरियर चूज करूंगा एंड यहाँ से जनरेट पे क्लिक करके हमारा बैकग्राउंड जनरेट कर लेते हैं। अब आप देखिए इसने कितने अच्छे से हमारा बैकग्राउंड 3D में जनरेट कर दिया है। अब मैं यहाँ से अपने बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेता हूँ एंड इस बैकग्राउंड को अपने प्रीमियर प्रो में ले जाके अपनी वीडियो के नीचे वाले ट्रैक पे डाल देता हूँ। सबसे पहले मैं अल्ट्रा की मदद से अपनी वीडियो से ग्रीन स्क्रीन हटा लेता हूँ। अब हमारे इस बैकग्राउंड को हमें थोड़ा जूम इन करना पड़ेगा और हमें जो भी बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है हम पोजीशन एंड स्केल को चेंज करके उसको अलाइन कर सकते हैं। अब इसको और भी रियलिस्टिक बनाने के लिए हम यहाँ पे अफेक्ट कंट्रोल में गॉसियन ब्लर सर्च करेंगे एंड इसकी वैल्यू को थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। तो इस तरह से हम इस वेबसाइट की मदद से कोई भी बैकग्राउंड को जनरेट कर सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये 5 AI प्लेटफॉर्म्स यूजफुल लगे होंगे। इस तरह के और भी वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।